स्टूडेंट्स अपने को नेक्स्ट टॉपिक है लोन टेकन एंड लोन एडवांस। जो बिजनेस द्वारा लोन लिया जाता है जा लोन दिता जाता है उस टाइम आप एंट्री पाने वो अज आप सीखेंगे। देखो स्टूडेंट फस्ट ऑफ ऑल आप गल करते हैं लोन टेकन दे। लोन टेकन की है स्टूडेंट्स लाइबिलिटी है। जो आप लोन ले लें उस टाइम अपनी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। आप रूल्स पढ़े सी एज पर द रूल्स जो लाइबिलिटी इनक्रीज हो जाती है इनक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटर्ड। स्टूडेंट्स इसी तरीके नाल लोन एडवांस की है एसेट। जो आप किसी नूं लोन दिए लोन एडवांस मतलब किसी नूं देना लोन एक है अपनी एसेट बन जाती है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स इनक्रीज इन एसेट्स is always debited। ठीक है स्टूडेंट्स। हुन स्टूडेंट देखो अपने एंट्री दे विच की लिखना है। जो अपने को लोन टेकन होवे और लोन एडवांस होवे उस टाइम आप एंट्री दे विच की लिखना है। देखो सपोज स्टूडेंट्स अपने को ले अपा मनोज तो लोन लिया है लोन टेकन फ्रॉम मनोज। अगर आपने लोन लिया होंगे उस टाइम आप स्टूडेंट्स लिखांगे मनोज लोन अकाउंट। जिस टाइम आप लोन लेने उस टाइम आप लिखते हैं मनोज लोन अकाउंट। हुण स्टूडेंट अगर आप लोन दिता होवे किसी परसन नू लोन इज गिवन टू किसी भी परसन नू दिता होवे सपोज करो हर्ष लोन इज गिवन टू हर्ष। हुण इस टाइम आप लिखते हों लोन टू हर्ष अकाउंट। ठीक है ये इसलिए दसिया स्टूडेंट्स आके अपन पता चल जाए कि अपने लोन दिता है या लोन लेता है सो आप डिफरेंस कर सकिए। एंट्री देखते ही अपन पता चल जाए आप लोन दिता है या लोन लेता है। हूँ देखो स्टूडेंट्स इसी आप जर्नल एंट्रीज करते हैं जर्नल एंट्रीज। हूँ मैं सोनू पूरी एंट्री पा के दिखाऊँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट अपने को किस तरीके नाल आती है देखो बोरोड रुपीज 50,000 फ्रॉम मलिक। बोरोड मतलब स्टूडेंट्स की होंगे उधार दे उत्ते लेना। मलिक तो आपने 50,000 रुपीज ले ले उधार ते। ठीक है सो अपने हाथ दे विच की आ गया स्टूडेंट्स कैश कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट। स्टूडेंट्स आप किनू करांगे मलिक्स लोन अकाउंट। आपने लोन लेता है मैं सुनू उपर दस के आई सी स्टूडेंट्स कि अगर आप लोन लिया हो भी आप उस नेम दे नाल लोन पा दें लोन पिछे पाने। ठीक है इस करके मैंने इतने मलिक्स लोन लिखता और स्टूडेंट ये लाइबिलिटी अपनी लाइबिलिटी इनक्रीज होगी इसलिए इसनों क्रेडिट किया। सो 50,000 दे नाल आप अमाउंट पा देंगे। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री देखो
lent rupees 11,000 to Monica. Lent means student कि अपन Monica नू 11,000 रुपए उधार देते देते, ठीक है? So students loan दिता है अपनी asset इनक्रीज होगी जो तो अपनी एसेट इनक्रीज हो जाती है आप उसे की लिख दें उसनों डेबिट कर दें मैं सुन दसे अगर लोन दिता हो तो आप लिखना लोन टू हर्ष लोन नेम तो पहला लिख देना आप ने सो लिखांगे लोन टू हर्ष अकाउंट डेबिट टू मोनिका सॉरी टू कैश इत स्टूडेंट्स मोनिका पेगा मोनिका अकाउंट टू कैश अकाउंट रुपीज 11,000 ठीक है स्टूडेंट्स इत नेम मोनिका से सो मोनिका ही पेगा लोन टू मोनिका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश अपने को चला गया आप मोनिका नू रुपये देते सो कैश चला गया और डेबिट क्यों किया अपना लोन टू मोनिका अकाउंट बिकॉज अपनी एसेट इनक्रीज होगी इनक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड सो डेबिट कर दिया अपने स्टूडेंट नेक्स्ट है अपने को एक्सपेंसिस पेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस जो आप पे करते जब अपने हरे पे करने बाकी हैं ठीक है उसका ट्रीटमेंट देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ी थ्योरी कर लिए ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू current year whether paid or payable whether paid or payable recorded in the books of account देखो स्टूडेंट की कह रहे हैं कि सारे एक्सपेंसिस जो करंट ईयर दे ने मतलब जो ईयर दे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उस दे विच जो एक्सपेंसिस आप पे करते ठीक है उस करंट ईयर ना रिलेटेड एक्सपेंसिस जो आप पे करते जा पे करने हैं वो सारे आप बुक्स ऑफ अकाउंट दे विच रिकॉर्ड करांगे सपोज स्टूडेंट्स करंट ईयर अपना है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर लेके चल दे हुने स्टूडेंट इसलिए मैंने 2020-21 आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर दे बनाने हुने हैं फाइनेंशियल ईयर कितों स्टार्ट होंदा है 1 April to 31st March ठीक है सो स्टूडेंट सपोज कर लो ये अपना प्रीवियस ईयर है 2019-20 एंड नेक्स्ट ईयर अपना 2021-22 ठीक है इसनों प्रसीडिंग ईयर भी लिखा होगा स्टूडेंट बुक्स दे विच और नेक्स्ट ईयर नो सक्सीडिंग ईयर भी लिखा होगा सो समझना प्रीवियस ईयर प्रसीडिंग ईयर्स जो लास्ट ईयर ईयर है जो बीत चुका और सक्सीडिंग और नेक्स्ट ईयर जो आएगा ओवला ईयर है ठीक है हम स्टूडेंट्स आप जर्नल एंट्रीज देख दिया
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀਜ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਫ ਫੋਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਪੇਡ ਰੁਪੀਸ 74,000। ਸੈਲਰੀਜ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਫੋਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਪੇਡ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 74,000, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀਜ ਪੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਸੈਲਰੀਜ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ 2021 ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੈਲਰੀਜ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਫ ਫੋਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਇਜ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੁਪੀਸ 15,000। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਰੀਜ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਫ ਫੋਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਤਾਂ 15,000 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਜੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 15,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਸੋ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੈਲਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਅਕਾਊਂਟ ਰੁਪੀਸ 15,000, ਰੁਪੀਸ 15,000। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸੈਲਰੀਜ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਡ ਰੁਪੀਸ 30,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸੈਲਰੀਜ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਡ 30,000। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਮਤਲਬ 1920 ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਲੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਊਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੇਖੋ, ਸੈਲਰੀਜ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ 30,000। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀਜ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਟੂ ਸੈਲਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੈਲਰੀਜ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 30,000। ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੈਲਰੀਜ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਤੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼।
जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग होगा दोनों नाल कटिया जाऊगा। सो अपने को अल्टीमेटली की बन जाऊ सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री देखो स्टूडेंट, सैलरीज ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड ₹20,000। सो स्टूडेंट्स हूँ आप सैलरी नेक्स्ट ईयर की पे करती, नेक्स्ट ईयर मीनस जो आने वाला ईयर है, ठीक है, फ्यूचर की सैलरी आप इस साल करंट ईयर के पे करती बनती किसी सैलरी सी नेक्स्ट ईयर की, ठीक है, ₹20,000 आप करंट ईयर के पे कर रहे हैं। सो जो एडवांस के पे कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एडवांस के पे कर रहे हैं आप, राइट, जो अपनी एडवांस पे करा, एडवांस पे की तो अपनी एसिट इनक्रीज हो जाऊ, जो अपनी एसिट इनक्रीज हो जाए उसनों आप डेबिट कर दें स्टूडेंट्स। सो इतने आप यूज करा सैलरीज प्रीपेड, मतलब पहले पे करती, ठीक है, ₹20,000 टू कैश ₹20,000, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट अपने को इनकम रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग, इनकम या तो रिसीव होगी या रिसीव होनी पई है, ठीक है। सो यही भी आप एक बार समझने के लिए आप बना ले, तीनों बना ले, करंट ईयर जो चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो अपन जनरल आसानी नाल समझा दे, यह मैं तो बनाए हुए स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन हैगी रेंट ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड 70,000। अपन रेंट जो 2021 का रेंट है वो अपन रिसीव हो गया। सो आप ट्रांजैक्शन की पावे अपने हाथ के कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट किस लिए आया है, रेंट रिसीव लिए आया है। रेंट रिसीव्ड की है, अपनी इनकम है। सो स्टूडेंट्स इनकम नू आपां क्रैडिट करते हुंने आ, सो क्रैडिट करता मैंने रेंट रिसीव्ड, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन क्लीयर होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट अपने को रेंट ऑफ करंट इज ड्यू बट नॉट रिसीव 30,000। रेंट है जो करंट ईयर का, सॉरी करंट ईयर आएगा, रेंट ऑफ करंट ईयर इज ड्यू, मतलब ड्यू मतलब बन तक गया, ठीक है, देना तो उन्होंने बंद है, बट नॉट रिसीव्ड, पर हजे तक अपन रिसीव नहीं होया। सो स्टूडेंट इतने अपना एक होर अकाउंट ओपन होगा रेंट, सो इतने मैं तुम्हें साइड से समझा रही हूँ, रेंट अक्रूड, इट मीन्स रेंट बनता तो है लेकिन रिसीव नहीं होया। रेंट अक्रूड स्टूडेंट्स अपनी एसेट होंगी है, ठीक है, अगर कोई भी अपन रेंट नहीं देके गया, ठीक है, बनता सी लेकिन देके नहीं गया, वो अपनी एसेट होंगी है, आप कदों भी क्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रेंट ले, ठीक है, इसलिए आप इस एसेट ट्रीट करते हैं। और इनक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, राइट। सो रेंट अक्रूड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू करांगे आप रेंट रिसीव नू, अगर कैश मिल जाए तो कैश डेबिट कर दें, लेकिन हजे मिलिया नहीं इसलिए रेंट अक्रूड अकाउंट नू डेबिट करता, क्रेडिट सेम ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड ₹20,000। लास्ट ईयर का रेंट आपको इस साल करंट ईयर के रिसीव हो गया, लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 1920 का जो रेंट सीगा उस टाइम अपना ड्यू होगा, उस टाइम आपको नहीं मिला होगा, लेकिन हूँ करंट ईयर के जाके मिल गया। सो स्टूडेंट आप ट्रांजैक्शन की पानी है, अपने को हाथ के आ गया कैश, आ गया कैश में आप डेबिट कर देना, क्रैडिट स्टूडेंट आप रेंट अक्रूड नू करांगे,
हूँ आपां रेंट अक्रूड अकाउंट है उसनों खत्म कर रहे हैं। जिस टाइम स्टूडेंट रेंट एक्चुअल दे विच ड्यू होया होना उस टाइम आपां ट्रांजैक्शन पाई होनी है रेंट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सो हूँ स्टूडेंट आपां रेंट पहला उस टाइम आपां रेंट अक्रूड नूं डेबिट किया होना हूँ आपां इसनों क्रैडिट कर देना है, ठीक है। सो अपनी ट्रांजैक्शन पैगी कैश टू रेंट अक्रूड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट अपने को रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड। नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर वाला ईयर जो आने वाला ईयर है, ठीक है, सक्सीडिंग ईयर उसका रेंट अपन करंट ईयर दे विच रिसीव हो गया। हूँ स्टूडेंट अपने को रेंट रिसीव होया इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस स्टूडेंट लाइबिलिटी होंगी है, अपनी लाइबिलिटी इनक्रीज होगी, लाइबिलिटी इनक्रीज हो गए उसनों आप क्रैडिट कर देने। अपन एडवांस दे विच कोई परसन रेंट दे गया लेकिन वह फ्यूचर दे विच कदों भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। इट मीनस इसका मतलब की होंगे कि वह जो रेंट एडवांस दे विच दे गया अगले साल का रेंट अपन इस साल दे गया मतलब हजे उसका रेंट बनता तो नहीं सी ना, उसने हजे रहा तो नहीं वह लेकिन पहला ही रेंट दे गया। सो वह रेंट वो कदों भी अपने को वापस लेके जा सकता है, ठीक है, इसलिए अपनी लाइबिलिटी होंगी है इसनों आप क्रैडिट कर देने। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 22,000। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स नू आपां चैरिटी दे परपस ले देता, ठीक है, बेसिकली आपां फ्री सैंपल्स दे दिने हुंदे आ। फॉर द एडवरटाइजमेंट, ठीक है, और चैरिटी भी कर दिने हुंदे आ ताकि अपनी जो बिजनेस है वह इमेज इंप्रूव हो सके। ये चीज़ें आप क्यों करते हैं एडवरटाइजमेंट चैरिटी टू ताकि लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बारे अपने बिजनेस बारे नॉलेज होवे, ठीक है, टू मेक इमेज। चैरिटी बेसिकली आप अपनी इमेज बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट जो चैरिटी दी जाती है, ठीक है, यही बिजनेस का एक्सपेंस होंगे, दिस इज़ एन एक्सपेंस। एक्सपेंसिस नूं आपां की करते हुए स्टूडेंट डेबिट करते हुए क्योंकि अपना नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसिस नूं डेबिट कर दो। स्टूडेंट्स हूँ जनरल एंट्री देखो गिव अवे एज चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड कैश 5,100। कहते चैरिटी दे परपस लिए गुड्स दी हैं जिन्हां दी कॉस्ट है 10,000 और कुछ कैश भी दिता अपने 5,100 का, ठीक है, किस परपस लिए चैरिटी परपस लिए। सो स्टूडेंट्स अपनी ट्रांजैक्शन देखो की बनती है चैरिटी एक्सपेंस है सो चैरिटी नूं आपां डेबिट कर देना है चैरिटी अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, ठीक है। हूँ क्रैडिट स्टूडेंट्स आपां की करांगे अपने कोलों की जा रहा है एक तो गुड्स जा रही हैं गुड्स की जगह आप की लिखते हुए परचेसिज आप सेल नहीं की इतने आप सेल नहीं की सो क्रैडिट आप सेल नू नहीं करांगे थोड़े मन दे विच होगा कि गुड्स अगर आप दे रहे हुए तो आप सेल्स पाने हुए नहीं स्टूडेंट इतने आप परचेसिज लिखांगे, ठीक है। सैकेंड स्टूडेंट अपने को कैश जा रहे हैं सो कैश नू भी आप क्रैडिट कर देना है। परचेजिज आप 10,000 दिया देती हैं एज चैरिटी कैश आप किन्ने दा देता 5,100, ठीक है। टोटल आपने किन्नी दी चैरिटी करती स्टूडेंट 15,100, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर। बिजनेस के विच लॉस स्टूडेंट आंदा ही रहिंदा है, ठीक है, रिस्क होंदा बिजनेस नू। सो बिजनेस दे विच रिस्क आंदा रहिंदा लॉस होंदा रहिंदा बिजनेस नू।
लॉस ऑन द स्टूडेंट कोई भी कारण हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मिस मैनेजमेंट करके हो गया, फायर लग गई। सो इसके नाल क्या जो अपना गुड्स होंगी है वह डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, ठीक है, डैमेज हो जाती हैं। पर इन्ना जो गुड्स जो डिस्ट्रॉयड होंगी है डैमेज होंगी है मे बी आपने इंश्योरेंस लेता हो, ठीक है, आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं इन्होंने गुड्स के लिए, ठीक है, मे बी इंश्योर्ड हो। सो जे अपने इंश्योरेंस लेता भी है स्टूडेंट, आप इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं आप। सो सानू जो साड़ा नुकसान होया उसकी भरवाई करती है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आप इंश्योरेंस कंपनी नू इंश्योरेंस जो आप गुड़सा लेता होंगे उस दे लिए आप कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते रहने इंश्योरेंस कंपनी नू। सो हुण नुकसान हो गया है जो बिजनेस का, उस टाइम बिजनेस कि इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम ले सकती है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स अपने को ट्रांजैक्शन देखांगे आप की होंगी है। वन मोर थिंग स्टूडेंट, इंश्योरेंस कंपनी है जो क्लेम दिंदी हैगी वह मे बी फुल पे कर दिंदी है जिन्ना थोड़ा नुकसान होया है, ठीक है। यह कंपनी पर डिपेंड करता है कि 50% करना है, 80% करना है, 90% करना है या 100% जो क्लेम है वह देना गा, ठीक है। ये जरूरी नहीं होंगे कि वह 100% ही इंश्योरेंस कंपनी है जो पे करेगी बिजनेस नू, ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के उत्ते, ठीक है। सो स्टूडेंट अपने को ट्रांजैक्शन है, गुड्स वर्थ 4000 वर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, अपने फायर करके बिजनेस के 4000 या गुड्स की है ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया। स्टॉक ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ द वैल्यू, अपने गुड्स स्टूडेंट इंश्योरेंस कराइया हुई सी गुड्स की, ठीक है, अपने इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर कराया हुआ सी, अपने अगर कोई भी अग लगती है आप पहला ही इंश्योरेंस करा के रखा सी फायर का कि अगर अग दे नाल कोई भी अपन लॉस होंगे सो आप उसका इंश्योरेंस कंपनी तो ले सकते हैं। सिर्फ अपने 80% का इंश्योरेंस कराया हुआ सी स्टूडेंट, सो इंश्योरेंस कंपनी अपन 80% तक की वैल्यू ही पे करेगी, जिन्ना अपने इंश्योरेंस लेता होंगे स्टूडेंट उन्ना ही पे करेगी, सो कंपनी उन्ना ही पे करती है। सो स्टूडेंट इंश्योरेंस कंपनी पेड प्रपोर्शनेट क्लेम इन कैश, इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम है वह कैश के पे करता। सो 4000 की अपनी गुड्स डिस्ट्रॉय हुई सी, आपने सिर्फ 80% तक वैल्यू का आप क्या कि अपन इंश्योरेंस मिल जाए। सो 4000 80% करो स्टूडेंट्स, 4000 का 80% करके स्टूडेंट 3200 आ गया, इट मीनस आप इंश्योरेंस कंपनी 3200 रुपीस दे दूगी। सो स्टूडेंट आप कैश तो किसी नाल कर देंगे, कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे, अपने को कैश 3200 रुपीस आ गए क्योंकि उसने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जिन्ना कुछ का बनता सी जिन्ना प्रपोर्शन उसने बनता तो उन्होंने कैश के पे करता, 3200 आप डेबिट कर देंगे स्टूडेंट्स। नैक्सट डेबिट करेंगे स्टूडेंट लॉस वाई फायर, ये अपना नुकसान हो गया, नुकसान नूं आपां डेबिट कर देने, ठीक है, किन्ने दा 800 दा। सो स्टूडेंट जो क्रैडिट करते होंगे वो आप जिनी वैल्यू होंगी है गुड्स की, टोटल वैल्यू गुड्स की, ठीक है, उसनों क्रैडिट कर देने की पा के परचेजिज अकाउंट, क्योंकि अपन गुड्स गई अपने कोलों, सो परचेजिज अकाउंट नूं आपां क्रैडिट कर देंगे विद दी टोटल अमाउंट 4000, ठीक है। नैक्सट टॉपिक है स्टूडेंट अपने को बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन आदि हैं, जिमें आप बैंक के विचों कैश विड्रॉ करा लिया, डिपॉजिट कराता, ठीक है, चैक डिपॉजिट कराता, सो चैक डिसओनर हो गया, इस रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन सीखांगे स्टूडेंट वन बाय वन करके। देखो स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अपने को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट रुपीस 18700, आप बैंक के विच कैश डिपॉजिट कराया स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने कोलों की चला गया
कैश क्या, ठीक है, कैश नू आपां क्रेडिट कर दांगे टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन अराइज़ेस डेबिट किस नू करांगे। स्टूडेंट्स देखो आपां कैश डिपॉजिट किसे विच कराया, बैंक दे विच, बैंक परसनल अकाउंट है, सो बैंक एक तरह का रिसीवर हो गया, ठीक है। सो बैंक इज द रिसीवर, रिसीवर डेबिट वट डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट की कहता है अपना डेबिट द रिसीवर। सो बैंक अकाउंट की है रिसीवर है, सो बैंक अकाउंट में आप डेबिट कर देंगे 18,700, ठीक है। अपने को कैश चला गया, बैंक के विच आ गया, सो बैंक रिसीवर है इसलिए उसने डेबिट करता, कैश इसलिए किता क्यों क्रेडिट बिकॉज कैश अपने को जा रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो स्टूडेंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आप बैंक के विचों कैश विड्रॉ करा लिया। अगर ऑफिस यूज के लिए दैन कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस का पैसा बिजनेस के विच ही लग रहा है तो अपन की प्रॉब्लम होनी है। सो स्टूडेंट अपने को आ गया कैश विड्रॉ किता, सो अपने को हाथ के कैश आ गया, कैश को डेबिट कर देंगे आप बट कम्स इन, ठीक है। स्टूडेंट देखो कितों निकाल रहे हो आप बैंक के विचों, सो गिवर है बैंक, बैंक को आप क्रैडिट कर देना है, अपना रूल की कहना है क्रैडिट द गिवर, परसनल अकाउंट का रूल है क्रैडिट द गिवर। 9600 के नाल आप एंट्री पाती। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज लिए आ गया स्टूडेंट, हूँ आप बिजनेस का पैसा आपके घर लिए यूज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स कैश आप जो पर्सनल यूज परसनल यूज करिए विड्रॉ कराइए बैंक के विचों, उस टाइम आप ट्रांजेक्शन देखो पर्सनल यूज आप करते हैं ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्टूडेंट देखो अपने बैंक के विचों कैश विड्रॉ करते हैं, सो बैंक नू आप क्रैडिट कर देना है, बैंक की है अपना गिवर हो गया ना, इतने बैंक चो निकलवाए ने अपने रुपये, सो इसनों आप क्रैडिट करता 8400 के नाल। जिते परसनल यूज होंगे स्टूडेंट उत्थे आप ड्राइंग अकाउंट ओपन कर देने, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। हूँ नैक्सट एंट्री देखो स्टूडेंट्स, नैक्सट ट्रांजैक्शन है अपने को चैक रिसीव्ड फ्रॉम संगीता रुपीज 5000 एंड डिपोजिटेड इन टू बैंक, अपन चैक रिसीव होया संगीता तो आपने की किया बैंक के डिपोजिट कराता। सो स्टूडेंट्स आप बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे, स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज द रिसीवर, बैंक ने रिसीव कर लिया चैक, सो गिवर कौन सी संगीता, संगीता नू आप क्रेडिट कर देना है कि 5000 के नाम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, देखो स्टूडेंट्स हूँ की एंड ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम संगीता एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक डिसओनर, सेम एंट्री है लेकिन पीछे की लग गया डिसओनर, मतलब बैंक ने जो चेक आप डिपोजिट कराया सी वह डिसओनर हो गया, ठीक है। डिसओनर मतलब स्टूडेंट बैंक ने उसनु आपनु वापस करता विदाउट कैश, कैश नहीं किया उसने चेक नू, सिर्फ इदा ही वापस करता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट, सो अपन इस तरीके अपना चैक डिसओनर भी हो सकता है। उस टाइम स्टूडेंट्स आप ट्रांजैक्शन पानी है जो आप बैंक टू संगीता पाया से, स्टूडेंट्स हूँ इस एंट्री आप उल्ट कर देनी है, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अपनी ट्रांजैक्शन उल्ट ट्रांजैक्शन पै दो, ठीक है। इतने तो अपन बैंक बैंक रिसीवर बन गया से, ठीक है, हूँ बैंक गिवर बन गया, संगीता जो हैगी वह रिसीवर बन गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, पेमेंट रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर सप्लायर्स, सम टाइम आप अपने कस्टमर के बिहाफ के उत्ते कुछ जो किराया होंगे वह पे कर देने, लाइक करेज फ्राई, ठीक है, यह जहाँ कुछ आप कस्टमर के बिहाफ के उत्ते पे कर देने, लेकिन जो आप पेमेंट करते हैं स्टूडेंट्स वह अपना एक्सपेंस नहीं होता, नोट द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस,
ठीक है, अगर आप पेमेंट कर भी दें, ये अपने बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होंदा, इसनू आप जो कस्टमर है अपना उसके अकाउंट के विच ही डेबिट करांगे। और स्टूडेंट रिसीप्ट, सम टाइम आप अपने जो सप्लायर्स होंगे है उन्होंने बिहाव के उत्ते कुछ ना कुछ रिसीव कर लेंदे। सो स्टूडेंट्स, जो आप उन्होंने बिहाव के उत्ते रिसीव करते हैं वह अपनी इनकम नहीं होंगी, नॉट द इनकम, ठीक है। इसनों आप क्रैडिट अपने अकाउंट के विच नहीं करांगे, पर्टिकुलर जो सप्लायर होगा उसके अकाउंट के विच आप इसनों क्रैडिट करांगे। और एक्सपेंस होया एक्सपेंस नूं पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट के विच डेबिट करांगे। क्लीयर स्टूडेंट्स, हूँ ट्रांजैक्शन देख लो इस नाल रिलेटेड। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपनी एक्सपेंस से रिलेटेड, ठीक है, मतलब पेमेंट की आप ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर करे स्पेड करता आप ऑन द बिहाफ ऑफ आर कस्टमर एरिका। एरिका अपना कस्टमर सेगा, ठीक है, उसके बिहाफ के उत्ते आप ने करे स्पेड करता। सो स्टूडेंट, आप करेज अकाउंट में डेबिट नहीं करते, इतने अपना किसी के बिहाफ के उत्ते काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर परसन का अकाउंट डेबिट करांगे। एरिका अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज, सपोज अपन क्वेश्चन के बीच रुपीज है गे 2500। सो आप 2500 देना ट्रांजैक्शन पावांगे। स्टूडेंट, इतने अपना एरिका है जो वो डेटर बन गया, एरिका तो अपने रुपये लेने हो गए। हूँ आप उस बिहाव के उत्ते एक बार पे करते, लेकिन आप फ्यूचर के जाके उस तो मंगांगे कि साढ़े रुपये वापस करो, ठीक है। इसी तरीके स्टूडेंट अपने इंट्रस्ट रिसीवड है। हूँ आप सप्लायर तो सप्लायर के बिहाव के उत्ते अपने कुछ अमाउंट रिसीव कर ली, इंट्रस्ट रिसीव किए रुपीज 7000 ऑन बिहाफ ऑफ आर सप्लायर संजय, जो अपन सप्लाई करता है गुड्स उसके बिहाव के उत्ते अपने 7000 रुपीज इंट्रस्ट रिसीव कर लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट अकाउंट आप एंट्री पावे कैश अकाउंट डेबिट टू, इतने आप इंट्रस्ट नहीं पाते स्टूडेंट्स, आप पर्टिकुलर परसन है जो अपना सप्लायर है संजय उसनू क्रैडिट कर देंगे कि 7000 देना। अपने इस परसन के रुपये देने हो गए फिलहाल, आप एक बार ले ले इंट्रस्ट रिसीव कर लिया अपने किसी तो, ठीक है। लेकिन हूँ आप जाके सप्लायर जो संजय है उसनों आप रुपये वापस कर देंगे, उससे ही रुपये है आप उसनों पे करांगे, ठीक है। सो अपना क्रेडिटर अराइज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, एडवांस रिसीव होया अपन अगेंस्ट दी सप्लाई ऑफ गुड, आप गुड्स की सप्लाई करती। समटाइम जो सैलर होंगे, ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो की कहूगा कि सानू एडवांस के विच पेमेंट कर दो, ठीक है, चाहे कुछ अमाउंट ही कर दो, फुल ना करो, हाफ पार्ट कर दो, चाहे फुल कर दो, ठीक है। वो कुछ ना कुछ अमाउंट डिमांड करता है, ये तुसी भी देखा होगा अगर कुछ समान लैन जाने हो, सोडे नाल भी ये होई होगी कि एडवांस के विच ही जो सप्लायर होंगे जो सैलर होंगे वह डिमांड करता है। सो स्टूडेंट, उस टाइम आप देखते हैं किस तरीके की अपने को ट्रांजैक्शन आती है और आप उसनों किस तरीके नाल ट्रीट करना है। स्टूडेंट्स देखो, अपने को ट्रांजैक्शन हैगी, रिसीव्ड एंड एडवांस ऑफ रुपीज 7000 फ्रॉम सेवाग अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अपने सेवाग तो एडवांस के विच ले ले 7000 रुपीज, किस दे बदले विच आप गुड्स उसनों ट्रांसफर कीतियां होंगियां, सप्लाई कीतियां होंगियां। देखो स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन की बनता है, इसकी एंट्री देखो अपने को आ गया स्टूडेंट, कैश कैश अकाउंट डेबिट 7000। स्टूडेंट अपने को एडवांस आया, अपनी लाइबिलिटी इनक्रीज हो गई, एडवांस फ्रॉम सहबाग, ठीक है। एडवांस के विच आ जाए तो अपनी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, आप पहला भी यह डिस्कस किया पॉइंट। सो स्टूडेंट अपनी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, आप उसनों क्रैडिट करता, एडवांस फ्रॉम सहबाग नू क्रैडिट करता। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, अपने को डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। डेप्रीसिएशन होंगे स्टूडेंट किसावट,
जो अपनियां फिक्स एसेट्स होंदियां लाइक मशीनरी, ठीक है, उन्होंने उत्ते घिसावट लगते चाहे आप यूज करिए ना करिए, उसकी वैल्यू है जो डिक्रीज होंदी रहती है, ठीक है, टाइम दे नाल उसकी वैल्यू घटती रहती है, उसनों आप डेप्रीसीएशन कहने हैं। सो स्टूडेंट इस रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखो अपनी की बनती है, डेप्रीसीएशन अपना एक्सपेंस होंगे, ठीक है, एक्सपेंस होगा इसनों आप डेबिट करांगे। सो अपने को ट्रांजेक्शन आती है प्लांट परचेज, इस प्रकार ने अपने को ट्रांजेक्शन आदि वो देख रहे हैं आप, प्लांट परचेज 47,000 प्रोवाइड डेप्रीसीएशन 10% पर एनम फॉर फुल ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। प्लांट परचेज किया पर 70,000, उसके उत्ते डेप्रीसीएशन 10% लगता है पर एनम, पर एनम मतलब वन ईयर का 10%, हरेक साल 10% उसकी वैल्यू डिक्रीज होंगी रहती है, ठीक है, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 70,000। सो स्टूडेंट डेप्रीसीएशन लगेगा 70,000 का 10% करो, सो 7,000, ठीक है, 7,000 वैल्यू डिक्रीज होंगी रहती है। सो आप डेबिट करांगे डेप्रीसीएशन अकाउंट नू, अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 7,000। प्लांट नू क्रेडिट इसलिए किया स्टूडेंट बिकॉज अपनी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अपने को प्लांट 7,000 तक घट रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसनों क्रेडिट करता। समटाइम्स स्टूडेंट्स आप की करते हैं जो ओल्ड एसेट्स होंगे अपने को उसनों अपन नवी एसेट के नाल एक्सचेंज करा लें। सपोज अपने कोई मशीनरी पई है 10,000 की, ठीक है, हूँ अपने बिजनेस के नवी टेक्नोलॉजी की जरूरत है इसलिए अपन नवी मशीनरी चाहिए है, उसकी कॉस्ट है 20,000, ठीक है, आप कहे आप जो साढ़े को ओल्ड मशीनरी पई है उसनों तुसी रख लो और जो बाकी रुपये है वह लै लो, ठीक है। सो आप 20,000 के 10,000 की मशीनरी कटा देंगे बिच, जो ओल्ड मशीनरी है और बाकी जो 10,000 है उसनों कैश पे कर देंगे। सो यह भी रूल होंगे, इस रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन पैंती हैं, देखो किस तरीके होंगी है। देखो स्टूडेंट ट्रांजेक्शन एक्सचेंज किया आप ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू, नवे दिन आप ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज कर लिया, द वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर बस 3,500, द वैल्यू ऑफ न्यू फर्नीचर बस 9,000, नवे फर्नीचर की वैल्यू 9,000 और ओल्ड फर्नीचर की है 3,500 है। हम स्टूडेंट आप सिर्फ जो बैलेंस है उही पे करांगे, ठीक है, अपने को आ गया स्टूडेंट फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू कैश, कैश अपन कितना पे करना पै रहा है 9,000 के बिचों स्टूडेंट 3,500 माइनस कर दो, अपने को आज 5,500, ठीक है, आप कितना पे करांगे 5,500। स्टूडेंट्स ये आम जी गल है क्योंकि आप जिस तरीके घर देखते हो गए आप मोबाइल एक्सचेंज करवा लेने, ठीक है, नवा मोबाइल लै जाने अपना जो पुराना मोबाइल होंगे वह आप ही कटा लें, जो कैश बनता हूँ सिर्फ उन्ना ही पे करके आने, ठीक है। सो उन्ना ही आप इस देता जो बैलेंस अमाउंट है वह अमाउंट ही पे की आप फर्नीचर के लिए 5,500 रुपीज। नैक्सट टॉपिक है स्टूडेंट अपने को इंट्रस्ट ऑन कैपिटल, इंट्रस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो ओनर है वह बिजनेस के इन्वेस्टमेंट करता है कैश, उसनों आप कैपिटल कह दें, ठीक है, हूँ उसके उत्ते इंट्रस्ट पे करना वे, जो बिजनेस है वह उस कैपिटल के उत्ते बिजनेस मैन इंट्रस्ट पे करती है। सो बिजनेस के लिए इंट्रस्ट एक खर्च हैगा, एक्सपेंस हैगा, सो इंट्रस्ट ऑन कैपिटल डेबिटड होगा, सो डेबिट करांगे आप इंट्रस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है,
क्योंकि यह बेनज़ा खर्च हैगा। इंटरस्ट ऑन कैपिटल आप कैश के नहीं पे करते, लेकिन यह उसी जो प्रोपराइटर होंगे ओनर होंगे उसी कैपिटल के ऐड हो जाता है। सो स्टूडेंट अपने को एग्जाम्पल हैगी, आप एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरस्ट एट द रेट 10% अलाउड ऑन कैपिटल 50,000 टू द प्रोपराइटर। इंटरस्ट आप 10% अलाउ कर रहे हैं ऑन कैपिटल, 10% दे रहे हैं 50,000 के उत्ते। सो स्टूडेंट आप इंटरस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। हुण अपनी कैपिटल इनक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट के आपने इंटरस्ट ऑन कैपिटल ऐड कराता। आप इंटरस्ट है जो उसनों उसके कैपिटल अकाउंट के पे कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स 50,000 का 10% करांगे 5,000 आऊगा। सो आप इंटरस्ट ऑन कैपिटल कितना पे किया है 5,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप कर रहे हैं इंटरस्ट ऑन ड्राइंग। देखो स्टूडेंट इंटरस्ट ऑन ड्राइंग की है, जो ओनर है वह बिजनेस के पर्सनल यूज पैसा निकालता रहता है, उसनों आप ड्राइंग कहने राइट। हूँ स्टूडेंट ड्राइंग के उत्ते इंटरस्ट भी पे करना पैंदा उस पर्सन, ठीक है, उसनों कुछ ना कुछ इंटरस्ट पे करना पेगा क्योंकि वह बिजनेस के पैसा करा रहा है, बिजनेस उसके उत्ते इंटरस्ट चार्ज करेगा। सो स्टूडेंट इंटरस्ट में भी चार्ज ऑन द ड्राइंग फ्रॉम द प्रोपराइटर, बिजनेस है जो वो इंटरस्ट चार्ज कर सकते हैं प्रोपराइटर तो। इट रीप्रजेंट द इनकम ऑफ द बिजनेस, यह बिजनेस लिए इनकम होगी। सो बिजनेस इंटरस्ट चार्ज कर रहे हैं सो बिजनेस लिए इनकम बन गई। सो स्टूडेंट इनकम आप क्रैडिट करते हैं, सो इंटरस्ट ऑन ड्राइंग क्रैडिट होगा। हूँ अपनी स्टूडेंट ट्रांजैक्शन की बनती है, देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500। नेक्स्ट अपने को कंपाउंड एंट्री होंगी है स्टूडेंट्स। देखो कंपाउंड एंट्री की होंगी है, व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर अकर ऑन द सेम डेट, जो दो या दो तो बाद ट्रांजैक्शंस होंगे हैं सिमिलर नेचर दी होंगे हैं, ठीक है, सेम डेट के उत्ते अकर हुई हो, सेम डेट के उत्ते हुई हो, ठीक है, उस टाइम स्टूडेंट आप की करते हैं, दैन इंस्टेड ऑफ पासिंग अ सेपरेट एंट्री फॉर ईच ट्रांजैक्शन अ कंबाइंड एंट्री मे बी पास्ड। स्टूडेंट्स आप जो दो या दो तो बाद ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर दी हो, ठीक है, उस टाइम आप अलग अलग एंट्री पाने के नालों आप करते हैं सिर्फ एक एंट्री पा दें, बिकॉज इको दिया तो एंट्री है, ठीक है, उसकी आप एक कंबाइंड एंट्री पा दें। वो कंबाइंड एंट्री की होंगी है स्टूडेंट्स कंपाउंड एंट्री, उस कंबाइंड एंट्री आप कंबाउंड कंपाउंड एंट्री कहने। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कंडीशनस ने, आप कंपाउंड एंट्री इदा नहीं पा सकते, लेकिन कुछ कंडीशनस ने, वो देखो ट्रांजैक्शंस है वो सेम डे हुई हों, ट्रांजैक्शंस फर्स्ट कंडीशन है ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम डे हुई हों। सेकेंडली स्टूडेंट एटलीस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस इस कॉमन, मीन स्टूडेंट्स चाहे तो डेबिट साइड
चाहे क्रेडिट साइड, दोनों दे विचो एक चीज, एक एस्पेक्ट, हरेक ट्रांजैक्शन जो अपन सिमिलर लगती है उन्हों का एक साइड डेबिट या क्रेडिट सेम होनी चाहिए है। ठीक है, वह आप देखा जो आप ट्रांजैक्शन करा किस तरीके आप उसमें कह रहे हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स इनवॉल्व आर मोर दैन टू, अकाउंट्स जो आप होंगे वह इनवॉल्व कर सकते इस चाहे दो हो चाहे दो तो बद भी हो सकते हैं। ठीक है, मोर दैन टू को एक एग्जाम्पल देखा स्टूडेंट्स अपनी को सैलरीज रुपीज 8,000 रिसीव्ड। ठीक है, सैलरी रिसीव हुई अपन 8,000 की ऑन जुलाई 21। ओके, फिर स्टूडेंट अपन वेजिस रिसीव हो गई रुपीज 1,000 ऑन द सेम डे। एक स्टूडेंट अपन इंटरेस्ट रिसीव हो गया रुपीज 1,000 ऑन द सेम डे। देखो स्टूडेंट हूँ आप इसकी कंबाइंड एंट्री पाने सोल्यूशन कंबाइंड एंट्री की पावे इन तिना दे विच्चों देखो जो अगर आप सैलरी दी कल्ली सिंगल ट्रांजैक्शन पाते तो की पाते सैलरी रिसीव हुई है अपन की आया कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, सैलरी अपने को इनकम से इसकी क्रैडिट करती कैश अपने को आया 8,000। सैकेंड से अपने को वेजिस 1,000 दी रिसीव हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू वेजिस रुपीज 1,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन आप पाते स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रुपीज 1,000। सो तीनों ट्रांजैक्शन के बीच स्टूडेंट की चीज कौन लग रही है कैश। ठीक है, तीनों के बीच कैश कौन है। सो अपनी एक कंडीशन भी सी एटलीस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इज ट्रांजैक्शन इज कौन अपन पता चल गया तीनों ट्रांजैक्शन के बीच डेबिट क्या होगा कैश। सो स्टूडेंट आप इतने कंबाइंड एंट्री पा सकते हैं आप एंट्री की पावे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू वेजिस सैलरी 8,000 वेजिस 1,000 टू इंटरेस्ट 1,000। ठीक है, टोटल किन्ने 10,000 आप कैश के पा दें। सो अपनी कंबाइंड एंट्री तैयार है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट अपने को ओपनिंग एंट्री का। ओपनिंग एंट्री की है देखो स्टूडेंट हरेक साल दे लास्ट से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने उस दे विच आप लास्ट के उत्ते बैलेंस शीट बनाने। ठीक है, बैलेंस शीट दे विच आप देखते हैं किन्नी अपने को लाइबिलिटीज है उस साल दी किन्नी एसेट्स है। सो स्टूडेंट्स जो लाइबिलिटीज और एसेट्स होंगी है ठीक है उसनों आप अगले साल लिए ओपनिंग बन दी है जो लास्ट ईयर दी एसेट्स से लाइबिलिटीज़ है उन्होंने बैलेंस नू आप अगले साल लिए मीनस करंट ईयर लिए सपोज 1920 की बैलेंस शीट सी उस दे विच लाइबिलिटीज़ और एसेट्स शो हो रही सी अपने को। ठीक है, हूँ आप उस जो एसेट्स से लाइबिलिटी है आप मान के चलते हैं बिजनेस कंटिन्यू रहा है। सो आप जो करंट ईयर है उस साल भी तो बिजनेस कर ही रहे ना। सो जो लास्ट ईयर की एसेट्स पई हैं अपने को लाइबिलिटीज़ पई हैं उसनों आप अगले साल भी उदा ही फॉरवर्ड कर लें। ठीक है, सो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर का जो भी बैलेंसिस पे है उसनों आप अगे फॉरवर्ड कर दें करंट ईयर के। ठीक है, उस आप एक ओपनिंग एंट्री पाने ओपनिंग एंट्री के आप जो भी एसेट्स होंगे लाइबिलिटीज होंगे एसेट्स आप सारे डेबिट कर देने और लाइबिलिटीज़ क्रैडिट कर देने। सपोज स्टूडेंट अपने को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उस दे विच कैश कितना पे है 15,000 स्टॉक भी अपनी एसेट होंगी है 10,000। ठीक है, और आप एक ले लें बिल्डिंग
बिल्डिंग हैगी है 25,000। ओके ये तो अपनी एसेट्स है, हुन लायबिलिटीज देखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स सेवनटीन थाउजेंड दे, बिल्स पेबल थ्री थाउजेंड और लोन फ्रॉम बैंक फाइव थाउजेंड। स्टूडेंट्स ये अपने कोल की है बैलेंस शीट है लास्ट ईयर दी, ठीक है। उस दे विच अपनी एसेट्स इन्नियां पईयां सी, लायबिलिटीज इन्नियां पईयां सी। हुण करंट ईयर आ गया मतलब 2021 आ गया, उस दे विच हुण आपां एक ओपनिंग एंट्री पाने हुंदे आ। उस टाइम आपां देखो जो भी एसेट्स पईयां उसनूं डैबिट कर दिंदे आ, कैश अकाउंट डैबिट, स्टॉक अकाउंट डैबिट, बिल्डिंग अकाउंट डैबिट, इन्हां नूं आपां तिन्नां नूं डैबिट करता। किन्ने रुपीज़ ना जिन्नी अमाउंट दित्ती है 15,000 कैश का दिता, स्ट्रोक का 10,000 दिता, बिल्डिंग का 25,000, ठीक है। टू करांगे स्टूडेंट आप लाइबिलिटीज़ नू, सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,000, टू बिल्स पेबल 3,000, टू लोन फ्रॉम बैंक 5,000। देखो स्टूडेंट्स अपने कुल जो एसेट्स है वह उन्हों का टोटल बनता है 50,000 और जो लाइबिलिटीज़ है उन्हों का टोटल बनता है 25,000। सो स्टूडेंट बैलेंस बच जाए 25,000 का, ठीक है। इट मीनस अपने को लाइबिलिटीज़ घट है। सो स्टूडेंट जो रिमेनिंग रह जाता है उसनों आप अगर लाइब क्रैडिट साइड बच जाए उसनों आप कैपिटल दे विच पा दें, बाकी बैलेंस 25,000, ठीक है। अगर क्रैडिट साइड अपनी घट दी हो की खोल दें कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सारा पा देंगे, ठीक है। अगर सपोज करो डैबिट साइड के उत्ते यह केस आ जाता, डैब 50,000 इधर बनता हों और डैबिट साइड के उत्ते 25,000 बनता हों, दैन 25,000 आप कितने पाते, आप डैबिट साइड एक अकाउंट ओपन कर दे गुडविल। सो आप बैलेंस जो अगर डैबिट साइड हों कि पाते गुडविल अकाउंट ओपन करके गुडविल के पाते। हूँ इतने अपने कैपिटल ओपन कर लिया, ठीक है।